नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज जैसा कि हमने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हमने सॉल्व करा दिए हैं, तो उसके कंपाइलेशन में हमने जो 10 से 15 साल के पेपर हैं प्लस मॉडल पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको डिस्कशन करा रहे हैं। तो ये लगातार सेशन चलेगा आज का दिन, ठीक है? आपको पता भी होगा, अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। PDF फाइल आपको टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सडनली जो है तुरंत जो है रिप्लाई दिया जाएगा। व्हाट्सएप हो सकता है थोड़ी सी आपको देर हो जाए, बट आपको रिप्लाई वहाँ पर भी दिया जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने जहाँ जो हमारा सेशन चल रहा था वो पर्यायवाची शब्द पे चल रहा था, तो पर्यायवाची शब्द को देखेंगे जो कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसके एक भी कोना यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं कि पंडित का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है। पंडित का जो है वो सुधी, विद्वान, कोविद, मनीषी, प्राज्ञ, विज्ञ। पंडित के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुधी, विद्वान, कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और विज्ञ। वहीं पर्वत की बात किया जाए तो पर्वत के जो है वो भूधर, गिरि, शैल, नग, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, ये सब पर्वत के हैं। वहीं पवन की बात किया जाए तो अनिल, हवा, समीर, मारुत, वायु, मृगवाहन, नभप्राण, ये सब पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी की बात किया जाए तो द्विज, अंडज, विहग, खंड, शकुनी, शकुंत, पखेरु, परिंदे, चिड़िया, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। परिणय की बात किया जाए तो जैसे कहते हैं ना, परिणय मतलब शादी होता है, ठीक है? शादी, विवाह और पाणी ग्रहण, ये सब परिणय के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं पान की बात किया जाए तो तांबुल, पर्णलता, नगिनी पत्र, सप्तशिला, नागरवेल और नागबल्ली, ये सब किसके हैं? पान के पर्यायवाची शब्द। पुत्र की बात किया जाए तो तनय, आत्मज, सूत, लड़का, बेटा, औरत, पूत, ये सब पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं पुत्री की बात किया जाए तो आत्मजा, सूता, तनिया, लड़की, बेटी, दुहिता। प्रजातंत्र की बात किया जाए तो जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब प्रजातंत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी की बात किया जाए तो भू, भूमि, धरा, अंचला, धरणी, वसुंधरा, उर्वी और मेदनी। अवनी की बात किया जाए तो प्रकाश, ज्योति, प्रभा, छवि, ध्योति, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला, ये सब प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले चलते हैं, अगला हम देखते हैं कि फूल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पहू। बंदर का कपि, वानर, कपीश, शाखामृग, मरकत, कीश, हरि। बाण का जो होता है वो तीर, तोमर, नारच, नारची, शरी, माफ कीजिएगा, शर, इशु और शायक, विशीख। बादल का मेघ, अभ्र, नीरद, जीमूत, पयोदी, जलद, सारंग। ब्रह्मा का चतुरानन, विरंची, प्रजापति, लोकेश, अज, गिरापति। ब्राह्मण का विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिसूर। भौरा का भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, खटपद, मधुराज और मधुभक्षा, ठीक है? इस प्रकार से ये अगला देखते हैं हम अपना। मछली का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो मीन होता है, ठीक है? मीन, मत्स्य, सफरी, झश, जलजीवन। मेढक की बात किया जाए तो दरदर, भेक, शालुक, सोलू, मंडू और वर्षा प्रिय। वहीं मोर की बात किया जाए तो मयूर, केकी, शिखंडी, शीखी, नीलकंठ, भुजगिरी। राजा की महीप, नरेश, भूप, नृपति, नरेंद्र, भू सम्राट, महीपति। रात की बात किया जाए तो रैन, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, निषिद्ध, तमंत्रा, विभा। लक्ष्मी की बात किया जाए तो कमला, रमा, श्री, पद्मा, इंद्रिया, समुद्रचा और सिंधु सुता। वहीं वर्षा की बात किया जाए तो बरखा, मेह, वृष्टि, बारिश, पावस, बरसात। वृक्ष की बात किया जाए तो साखी, पादप, दूम्र, पेड़, टीप। वहीं शत्रु की बात किया जाए तो वैरी, अमित्र, अरि, रिपु, दुश्मन, विपक्षी, प्रतिपक्षी। संध्या की बात किया जाए तो निशारंभ, सायंकाल, गोधूली, प्रदोष काल, सांझ, दिनांत। समुद्र की बात किया जाए तो सिंधु, सागर, जलधि, उलधि, रत्नाकर, नदीश, अवधि, निरधि, वारिश। सरस्वती की बात किया जाए तो शारदा, वीणा, गीरा, महाश्वेता, वागीश्वरी, वागी, वाधत्री, वागी, वधात्री। सिंह की बात किया जाए तो मृगेंद्र, शार्दुल, नाहर, चित्रक, केहरी, केशरी, शेर, व्याघ्र।
सोना की बात किया जाए तो स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, पुष्कल, रुक्म। सूर्य की बात किया जाए तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, साविता, प्रभाकर, रवि। हंस की बात किया जाए तो मुक्त भूख, मराल, सरस्वती, वाहन। हाथी की बात किया जाए तो गज, हस्ती, करी, कुंजर, सिंधूर, गजेंद्र। हिरण की बात किया जाए तो मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग। वहीं हर्ष की बात किया जाए तो खुशी, आमोद, आनंद, आह्लाद और प्रसन्नता, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको भी आदत डालनी चाहिए रिवीजन की, क्योंकि बिना रिवीजन किए आप लोग वो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के बजाय 3 मिनट लगेगा, 15 मिनट के बजाय 17 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मेरे साथ आप भी एक बार रिवाइज कीजिए कि पंडित का जो है वो क्या 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 है। सुधि विद्वान, कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और विज्ञ। पर्वत का जो है वो भूधर, गिरि, शैल, नग, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर। पवन का जो है वो पवन का क्या है, पवन का जो है वो है अनिल, हवा, समीर, मारुत, वायु, मृगवाहन और नभप्राण। पक्षी का द्विज, अंडज, विहग, खंड, शकुनी, शकुंत, पखेरु, परिंद, चिड़िया। पर्णय का शादी विवाह और पाणी ग्रहण, और पान का तांबुल, पर्णलता, नागिनी पत्र और सप्तशिला और नागरवेल और नागबल्ली। पुत्र का तनय, आत्मज, सूत, लड़का, बेटा, औसत, औरत, औरस और पूत। पुत्री का आत्मजा, सूता, तनया, लड़की, बेटी और दुहिता। प्रजातंत्र का जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र। और पृथ्वी का भू, भूमि, धरा, अचला, धरणी, वसुंधरा, उर्वी और मेदनी, साथ ही साथ में अवनी। प्रकाश का अगर बात किया जाए तो ज्योति, प्रभा, छवि, धूति, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। फूल का कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, लतांत, मंजरी और पुहूप। बंदर का कपिवानर, कपिवानर, कपीश, कपिवानर, कपीश, शाखा मृग, मरकत, कृष, हरि। बाण, तीर, तोमर, बाण का तीर, तोमर, नाराज, शर, इशु और शायक और विशीख। बादल की बात किया जाए तो मेघ, अभ्र, नीरद, जिमूत, पयोधि, जलध, सारंग, सारंग। ब्रह्मा का चतुरानंद, विरंची, प्रजापति, लोकेश, अज और गिरापति। साथ ही साथ में ब्राह्मण का अगर बात किया जाए तो विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव और महिसूर। भौरा की बात किया जाए तो भ्रमर, मधुर, मधुप, आली और खटपत और मधुराज और मधुभक्षा। साथ ही साथ में मछली का अगर बात किया जाए तो मीन, मत्स्य, सफरी, झश और जलजीवन। मेढक का दरदर, भेक, शालुक, शालू, मंडूक और वर्षाप्रिय। मोर का मयूर, केकी, शिखंडी, शीली, नीलकंठ, भुजागिरी। राजा का महीप, नरेश, भूप, निरपति, नरेंद्र और भू सम्राट महीपति। रात का रैन, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, निरीथ, निशीत और तमत्रा, विभा। लक्ष्मी का कमला, रमाश्री, पद्मा और इंदिरा, समुद्रचा और सिंधु सुता। वर्षा का बरखा, मेघ, मेह, वृष्टि, बारिश और पावस, बरसात। साथ ही साथ में वृक्ष का बात किया जाए तो साकी, पादप, धूम्र, ध्रुम और पेड़ और टीप। शत्रु का बात किया जाए तो वैरी, अमित्र, अरि, रिपु, दुश्मन, विपक्षी, प्रतिपक्षी। संध्या की बात किया जाए तो निशारंभ, सायंकाल, गोधूली, प्रदोषकाल, सांझ, दिनांत। समुद्र की बात किया जाए तो सिंधु, सागर, जलधि, उदिधि, उदधि, रत्नाकर और नदीश, अवधि, निरधि, वारिश। और सरस्वती की बात किया जाए तो शारदा, वीणा, गीरा और महाश्वेता, वागीश्वरी और वागी वधात्री। सिंह की बात किया जाए तो मृगेंद्र, शार्दुल, नाहर, चित्रंग, केहरी, केसर और शेर, व्याघ्र। सोना का हमने देखा था कि स्वर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, पुष्कल और रुक्म होता है। साथ ही साथ में सूर्य का भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर आदि होता है। हंस का मुक्तभ, मराल, सरस्वती, वाहन। हाथी का गज, हस्ती, करी, कुंजर, सिंदूर और गजेंद्र। हिरण का जो होता है मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग। हर्ष का जो होता है वो खुशी, आमोद, आनंद और आहाद और प्रसन्नता जो है ये खुशी के होते हैं। इसी प्रकार से हम अगर अपना देखना चाहें तो किस प्रकार से देख लेते हैं, जो मॉडर्न पेपर है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पेपर हमारा है जो कि है, इसमें पूछा गया है कि अश्व क्या क्या होता है, आप लोग देखिए और बताइए। तो अश्व का जो होता है वो क्या होता है, तुरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द है। वही अनार का पूछा गया है तो अनार का जो है वो मधु बीज होता है। कमल का जो है वो कमल के क्या होता है पर्यायवाची शब्द, कमल का होता है सरोज। बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। वहीं पृथ्वी का पूछा गया है तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है धरा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है,
तो बंदर अभी तक हमने देखा भी था। तो जो बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है वो मरकट होता है, और नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तटनी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुधा होगा अमृत का पर्यायवाची शब्द। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 9वां का गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जाह्नवी। और वहीं 10वां क्वेश्चन हमारा है कि जल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीर। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 11वां नंबर है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन होगा। वहीं अवनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 12वां नंबर है, तो अवनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धनी होगा, माफ कीजिएगा, धरा होगा। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 13 नंबर है। आप लोग बताइए, देखिए, फिर सोचिए, फिर बताइए, ठीक है? तो रात का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या हमने पढ़ा था? तो दिवस हमने पढ़ा था, ठीक है? 14 नंबर का बी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है आँख का, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप लोग पहले मन में सोचिए, फिर देखिए, फिर बताइए, ठीक है? तो आँख का जो हमारा हो जाएगा बी, यानी दृग जो है, दृग जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है? 15 का। और निर्धन का हो क्या हो जाएगा? तो निर्धन का देखिए, तो निर्धन का दरिद्र हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा भी था। 17 नंबर हम देखते हैं कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पक्षी का पर्यायवाची का शब्द क्या होगा? नवचर होगा। वहीं 18 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुष्प का जो है वो कुसुम हो जाएगा, और तलवार की क्या हो जाएगा? 19 नंबर हम देखते हैं कि 19 का तलवार क्या हो जाएगा? कृपाण हो जाएगा। और 20 का हम देखते हैं, 20 का हम क्वेश्चन देखते हैं कि असुर, असुर क्या होगा? तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशाचर। और इंद्र, इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो होगा महेंद्र। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन का पर्यायवाची शब्द होगा समीर, ठीक है? इसी प्रकार से अगला हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नंदिनी। और पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भामिनी, ठीक है? और पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गिरी होगा। वहीं नारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महिला होगा। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 27 नंबर है, महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मत्स्य होगा, माफ कीजिएगा, मछली का पर्यायवाची शब्द होगा। और मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मदिरा का सूरा होगा, ठीक है? राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 29 नंबर है, 29 नंबर का बी हमारा सही हो जाएगा। और सूर्य यानी नरेश होगा राजा का, और सूर्य का क्या हो जाएगा? तो भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ये हमने देखा था, यहाँ पे रवि है, तो ऑप्शन बी हमारा सूर्य सही हो जाएगा, रवि सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो होगा वो होगा रहस्य से संबंधित, जो भी जो दो तीन क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वन बाय वन जैसे मैं वीडियो डालता जाता हूँ आपको दिन भर मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है? आज का जो हमने प्रण लिया है खत्म करके ही रहेंगे, हर सेक्शन से, हर पोर्शन से, हर कॉन्सेप्चुअल चीज़, हर मॉडर्न पेपर से, हर प्रीवियस ईयर पेपर के, क्योंकि हमें जो है लास्ट टाइम है, तो आपको जी तोड़ के मेहनत यहाँ पर लगनी करनी है, ठीक है? सो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जरूर जुड़े, ठीक है? थैंक यू सो मच।